पावर मौजूद है, उनके पास वो गन पावर मौजूद रहने वाली है और वो किसी से कम नहीं है। सो मेरे ख्याल से ये दो मैचेस काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड और भरपूर तरीके से ज़बरदस्त रहते हैं। शोएब अख्तर की परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर क्या ही ज़बरदस्त रहती है, वो जो नॉक्स निकालते हैं, DP के साथ नॉक निकाला जाता है, देन M249 से पहले जो वो अपनी टीम को उस मौत के मुँह से निकालते हैं, अगर वहाँ पर वो एलिमिनेट हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से टीम बात कीजिए जो हमारी गेस्ट टीम है वो सेकेंड स्पॉट लेने में कामयाब ना होती। जी तो हमने दूसरा मैच बैठना जरूर किया जहाँ पर टीम स्टार की तरफ से चिकन निकाला जाता है दोस्तों, लेकिन ये आज के मैचेस के बारे में, इस इवेंट के बारे में, कल के दिन उन्होंने काफ़ी अच्छे मैच जरूर खेले, लेकिन आज आखिरी मैच में स्पेसिफिकली इनकी परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स थी। शोएब ने अपनी टीम को एक जगह पर बचाया, इनफैक्ट पूरी जिम्मेदारी ली टीम की, जहाँ पर कल उनका गिला था कि मेरी टीम मेरी जिम्मेदारी नहीं ले रही, आज उन्होंने टीम की जिम्मेदारी ले ली और पूरा एक क्लच सिचुएशन जहाँ पर 1v1 था उन्होंने वो निकाला। सो हाउ आर यू फीलिंग शोएब, अपनी टीम को अपने कंधों पर कैरी करके कैसा महसूस हो रहा है? सोचो पाकिस्तान टीम को कैरी करता तो क्या होती पाकिस्तान टीम आज, है ना? बिल्कुल, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो भी कहीं ना कहीं पहुंच जाते, सेकंड स्पॉट पर तो एटलीस्ट आ ही जाते। ऐसा माइंडसेट देख छोड़ के जाता कि आज तक पाकिस्तान टीम चीतों की तरह खेल रही होती, लेकिन बट अगेन कोई मौका मिला जिंदगी में तो ऐसे ही कैरी करूंगा। देखो तीन बंदे मेरे मर गए, स्क्वाड बचाया, स्क्वाड दोबारा रिवाइव हुआ, उसके बाद देखो हम दूसरे नंबर पे आए। चार गेम में मैंने कहा चलो तुम खेल लो यार, आखिरी में खेल लेता हूँ, लीड दी ना, इसलिए कह रहा हूँ मौका दो पाकिस्तान क्रिकेट में भी, देखना पाकिस्तान क्रिकेट आ जाएगी। I'm really hopeful के आप क्रिकेट को भी इसी तरह आगे लेकर जाएंगे, लेकिन गली स्क्वाड का पूरा कैसा रहा ये एक्सपीरियंस आपका ओवरऑल?